वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, टुडे टीचिंग आज हम क्या पढ़ाएंगे आप लोग को, द वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। इसका हिंदी में अर्थ होता है स्वर और व्यंजन, लेकिन इसे पढ़ने से पहले, इस जो है आपका वावेल और कॉन्सोनेंट्स पढ़ने से पहले, मेरा जो चैनल है पीके इंग्लिश गुरुजी, जो चैनल है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। दबाएंगे तभी मैं आगे बढ़ सकता हूं और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अच्छा रिस्पांस आएगा। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले आप लोग ध्यान से देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों और जो मेरे बच्चे हैं, ध्यान से देख लो। ये मुझे पता है वावेल्स और कॉन्सोनेंट सबको पता है, जिनको नहीं पता है वो जगह बैठे रहे, आराम से बैठ कर देखें और कम से कम आज तो समय निकालिए देखने के लिए। मेरा जो वीडियो चल रहा है वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स के लिए, स्वर और व्यंजन के लिए, इसमें कौन सा लेटर होते हैं, कौन सा व्यंजन वाला लेटर होते हैं, वही देखने के लिए आप लोग मेरा वीडियो देखें और कहीं ना जाए। मानता हूँ सबको पता है, लेकिन जिनको पता है अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा तो उनको पता है, उनको ये सब जो है वर्ड और लेटर्स इनके बारे में नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उनके घर में जो छोटे भाई बहन या जो भी हैं, मतलब उनके लिए है, मतलब उनके लिए वो लोग भी पढ़ सकते हैं, बड़े लोग भी पढ़ सकते हैं, उनके माता पिता भी पढ़ सकते हैं, जिनको जानकारी ना हो वो पढ़ सकते हैं, जिनको जानकारी वो भी पढ़ सकते हैं। काशी देखें कैसा वीडियो है। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं लेट ना करते हुए। मान लीजिए आपका क्या है, VOWELS वावेल्स। वावेल्स मीन्स क्या होता है, स्वर होता है। क्या होता है, स्वर। इसमें कितने लेटर होते हैं, पांच। कितने लेटर होते हैं, पांच, ए ई आई ओ यू। अब देख लीजिए, अब इसमें छोटा भी होता है, ए ई आई ओ यू। मैंने कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स इसलिए लिखा हूँ ताकि मतलब जो छोटे बच्चे हैं वो बड़ा अक्षर देखकर पहचान सकें कि नहीं, ए ई आई ओ यू होता है वावेल में। और बड़े बच्चे तो समझदार हैं, अच्छी बात है, उनको आता है, हम दुआ करेंगे तो उनको और अच्छे से इंग्लिश आए पढ़ने। चलिए आपका आ गया कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स आ गया। कॉन्सोनेंट्स का मीनिंग क्या है, सी ओ एन एस ओ एन ए एन टी एस। कॉन्सोनेंट्स मीन्स क्या होता है, व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन, व्यंजन होता है। ध्यान से देख लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूं, द वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स यानी स्वर और व्यंजन, वावेल्स स्वर, ए ई आई ओ यू। अब नेक्स्ट क्या है आपका, कॉन्सोनेंट्स और व्यंजन, इसमें क्या होते हैं, जो ए से जेड तक होता है उसी में से जो है आपका पांच लीटर आपका वावेल्स निकल गया, और जो बचा सारा जो है, जो जो सारे वर्ड मीनिंग बच, जो सॉरी जो 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 सारे लेटर बच गए वही आपका क्या है, व्यंजन, द कॉन्सोनेंट्स बच गए। जैसे मान लीजिए आपका बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, पी हो गया, क्यू आर एस टी यू सॉरी यू नहीं रहेगा भी रहेगा डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब हम इन्हें गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21।
यानी कि कॉन्सोनेंट्स में क्या होते हैं 21 लेटर्स होते हैं और वावेल्स में कितने लेटर होते हैं 5 लेटर्स। आइए हम इसे पूर्ण रूप से जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है वावेल्स और कैसे निकाला जाता है आपका कॉन्सोनेंट्स। चलिए बने रहिए इस वीडियो को और मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, पीके इंग्लिश गुरु जी, वेल आइकन का घंटी दबाना ना भूलें, सबसे ऊपर वाला अगर दबाएंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा आपकी कृपा से। चलिए देखिए हंसे में देखिए इरेज करने जा रहा हूँ। देखिए अब मैं आपको पूरा ए टू जेड पूरा ए से जेड तक लेटर लिख के उसमें हमें बताऊंगा वावल कौन सा है और कॉन्सनेंट्स कौन सा है। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, अगर आप लोग चले जाएंगे तो फिर कैसे वीडियो पूरा होगा, आप लोग कैसे सीखेंगे आप लोग, इसलिए अंत तक बना रहिए मेरा वीडियो, अंत तक जरूर से जरूर देखिए। देख लीजिए ये आपको क्या है, द अल्फाबेट क्या है, दी अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट है, ये वर्णमाला है, ठीक है। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, दो वीडियो को पहले मैंने बताया था अल्फाबेट, ये अल्फाबेट है, इसमें क्या है वर्णमाला है, ए से जेड तक है। अब इसमें से मान लीजिए आपका 5 लीटर वॉवल्स होते हैं, पहला हो गया ए हो गया वॉवल्स, फिर हो गया ई हो गया वॉवल्स, यानी पहला दूसरा, अब तीसरा आपका क्या हो गया आई हो गया, चौथा क्या हो गया आपका ओ हो गया, और पांचवा क्या हो गया आपका यू हो गया, समझ में आ गया। अब 5 लीटर को हम मान लीजिए हम यहां निकाल देते हैं नीचे की तरफ, ए ई आई ओ यू, यहाँ पे क्या है वावेल है, क्या है आपका ये वावेल, घबराइए मत आप लोग को, मैं आप लोग को समझाने के लिए मैंने लिखा हूँ ताकि आप लोग अच्छे समझ जाइए। अब देखिए जब 5 लीटर जब बाहर निकल गए हैं तो मैं इसे क्या करूँगा इरेज कर दूंगा, मैं क्या करूँगा इसको इरेज कर दूंगा ताकि आप लोग को पता चलेगा कि हाँ जो है वावल्स जो है मेरा कहाँ आ गया, नीचे वाले प्लेस पे आ गया है, कहाँ आ गया है नीचे वाले प्लेस पे आ गया है। आप लोग अच्छे से देखिए, मेहनत से देखिए, हम तो कहते हैं कि आप लोग कापी कलम लेकर बैठ जाया करिए ताकि मतलब आपको पढ़ने में आसान रहे। अब चलिए मैं काउंट करता हूँ कि आपका 21 कॉन्सोनेंट्स है कि नहीं, पहले अब मैं मीनिंग लिख दे रहा हूँ सी ओ एन एस ओ एन ए एन टी एस, ए 1 2 3 4 5 6